हेलो गाइस, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि गेट का एग्जाम बिल्कुल पास आ चुका है और वेदमी पे चल रहा है गेट PYQ एक्सप्रेस। और इसी गेट PYQ एक्सप्रेस के अंदर हम लेके आ रहे हैं इस वीडियो में जूलॉजी के एनिमल डाइवर्सिटी सेक्शन के PYQs। तो शुरू करते हैं बिना देरी के। जो पहला हमारा क्वेश्चन है वो है गेट एक्सेल 2011 में आया हुआ, और इस क्वेश्चन में बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ यू मेटाजोन्स। तो हम जैसा कि जानते हैं यू मेटाजोन्स जो है उनमें क्या है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्या होता है? टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होता है। तो जब टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होता है, और अगर हम इनके ऑप्शंस को देखें जिनमें क्या है, डिक्टियोस्टेलियम, हाइड्रा, स्पॉन्जेस और वॉल्वॉक्स। वॉल्वॉक्स में मल्टी स्पॉन्जेस में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, लेकिन ये टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता, इसलिए स्पॉन्जेस इनकरेक्ट ऑप्शन है। वॉल्वॉक्स जो है हमारा एल्गी है, और इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। डिक्टियोस्टेलियम, डिक्टियोस्टेलियम जो है ये हमारा एक तरह का स्लाइम मोल्ड है, स्लाइम मोल्ड है, तो ये ऑप्शन भी जो है वो गलत है। जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हाइड्रा, तो हाइड्रा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है यू मेटाजोन्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये गेट एक्सेल 2011 में आया हुआ है, और ये क्वेश्चन बोलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ड्यूटेरियोस्टोम्स। ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए रेडियल सिमेट्री बॉडी, ऑप्शन बी बाइलेटरल सिमेट्री ऑफ बॉडी, ऑप्शन सी में दिया गया है प्रेजेंस ऑफ वेल डिफाइंड डाइजेस्टिव सिस्टम, और ऑप्शन फोर में दिया है फॉर्मेशन ऑफ एनस फ्रॉम ब्लास्टोस्पोर। तो जैसा कि हम जानते हैं ड्यूटेरोस्टोम, ड्यूटेरोस्टोम मतलब स्टोम, अगर हम बात करें स्टोम वर्ड की, है ना, स्टोम वर्ड की बात करें तो स्टोम का मतलब होता है माउथ, और ड्यूटेरो का मतलब होता है सेकेंड। ओके, ऐसे ही इसका जो दूसरा वर्जन होता है वो क्या है, दूसरा डेवलपमेंट प्रोटोस्टोम्स। ठीक, प्रोटियोस्टोम्स होता है। प्रोटियोस्टोम्स में क्या होता है, प्रोटो मतलब फर्स्ट या प्राइमरी जो है वो माउथ, और स्टोम फर्स्ट और स्टोम मतलब माउथ। तो प्रोटियोस्टोम मतलब पहले माउथ का डेवलपमेंट ब्लास्टोपोर से, और उसके बाद सेकेंड में क्या होगा, एनस, एनस का डेवलपमेंट। जबकि ड्यूटेरियोस्टोम्स की बात करें तो यहाँ पे हमने बोला सेकेंड माउथ, तो फर्स्ट कौन होगा, फर्स्ट जो होगा एनस का डेवलपमेंट होगा, किससे, ब्लास्टोपोर से। अगर हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखें और चारों ऑप्शन को देखें, तो पहला ऑप्शन जो बात कर रहा है वो बात कर रहा है बॉडी सिमेट्री के बारे में, और दूसरा ऑप्शन भी वो भी बात कर रहा है बॉडी सिमेट्री के बारे में, तीसरा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ही अलग है जिसमें बोला गया है प्रेजेंस ऑफ अ वेल डिफाइंड डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि ड्यूटेरोस्टोम से कहीं भी रिलेट नहीं करता है। जो लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है वो है फॉर्मेशन ऑफ एनस फ्रॉम ब्लास्टोस्पोर, जो कि करेक्ट ऑप्शन है ड्यूटेरोस्टोम्स के केस में। ड्यूटेरोस्टोम्स में पहले एनस का डेवलपमेंट होता है ब्लास्टोस्पोर से, और उसके बाद डेवलपमेंट होता है माउथ का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गेट एक्सेल 2012 में आया हुआ है, और इसमें पूछा गया है कि लैम्प्रे अ जॉलेस फिश बिलोंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस। तो लैम्प्रे जो है वो बिलोंग करता है सब फाइलम वर्टिब्रेटा से। सब फाइलम वर्टिब्रेटा में एक अलग क्लास आता है जो है कि सिफेलोस्पिडोमॉर्फी। जो फाइल क्लास है वो है सिफेलोस्पिडोमॉर्फी, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है गेट एक्सेल 2013 में आया, और इसमें पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट एक्यूरेटली स्टेट द गोल ऑफ सिस्टमैटिक्स। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हम सिस्टमैटिक क्यों करते हैं, क्या गोल है, क्यों करते हैं हम जो भी ये अरेंजमेंट करते हैं एनिमल्स का, डाइवर्स एनिमल्स को एक क्लास में ले आते हैं, एक फाइलम में ले आते हैं, वो क्यों करते हैं। तो यहाँ पे बोला गया, चार ऑप्शन दिए गए हैं, क्लासिफिकेशन स्कीम शुड रिफ्लेक्ट फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। पहले बोला गया फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप देखने के लिए करते हैं, है ना। दूसरा है ऑल एनिमल शुड बी क्लासिफाइड
based on the relatedness at the early embryonic stage. तीसरा ऑप्शन बोला गया है all animals should be grouped based on DNA sequence data. और चौथा ऑप्शन बोला गया है classification of animals should be based on मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटी के बेसिस पे. तो यहाँ पे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है, जो हम सिस्टमैटिक्स करते हैं, वो करते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को रिफ्लेक्ट करने के लिए कि जो भी डाइवर्सिटी है, कैसे साइंटिफिक स्टडी करना है कि कैसे इवोल्यूशन हुआ था, पहले कौन सा एनिमल आया था, फिर उसमें क्या चेंजेस हुए तो क्या दूसरा बना, दूसरे में क्या चेंजेस हुए तो तीसरा जो ग्रुप है वो बना. तो ये सारी चीज़ें जो हैं स्टडी करने के लिए सिस्टमैटिक्स को हम स्टैब्लिश करते हैं. तो करेक्ट आंसर जो है वो हमारा ऑप्शन ए है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया अकॉर्न वर्म्स बिलोंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइला. अकॉर्न वर्म्स किस फाइलम से बिलोंग करते हैं. ये क्वेश्चन गेट एक्सेल 2016 में आया हुआ है और इसके चार ऑप्शन दिए हुए हैं प्लेटी हेलमेंथिस, एस्के हेलमेंथिस, हेमिकॉर्डेटा एंड एनिलिडा. तो आंसर है हेमिकॉर्डेटा. अकॉर्न वर्म जो है वो बिलोंग करते हैं हेमिकॉर्डेटा से. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एनिमल बिलोंगिंग टू द फाइलम इकाइनोडर्मेटा आर क्लोजर टू कॉर्डेट्स देन अदर इनवर्टिब्रेट फाइला. Which one of the following reason can account for this relatedness? तो यहाँ पे पूछा गया है कि इकाइनोडर्मेट फाइलम जो है वो ज्यादा क्लोजर है कॉर्डेट्स के एज कंपेयर टू उनके पहले जो इनवर्टिब्रेट फाइला आ रहे हैं. तो ऐसा क्यों है, रीजन पूछा जा रहा है कि ऐसा क्यों है कि इकाइनोडर्म जो है वो कॉर्डेट से ज्यादा क्लोज माने जा रहे हैं बजाय कि जो पहले पोरीफेरा सिलेंट्रेटा ये सारी चीजें आ रही हैं तो उनमें क्यों नहीं उनसे क्यों नहीं क्लोज है. तो इसका चार ऑप्शन दिया गया है ए बी सी डी और पूछा गया हाईली इवॉल्व नर्वस सिस्टम ऑप्शन ए, बी रेडियल सिमेट्रिक बॉडी प्लान, सी ड्यूट्रोस्टोमिक डेवलपमेंट और डी वेल डेवलप मसल. तो इसका आंसर हो जाएगा सी ड्यूट्रोस्टोमिक डेवलपमेंट. क्यों? क्योंकि इकाइनोडर्मेट्स ही वो हैं, वो एनिमल्स हैं जिनसे जो है ड्यूट्रोस्टोमिक डेवलपमेंट की स्टार्ट जो है वो हो जाती है. वो जो इवोल्यूशन होता है प्रोटियोस्टोम से ड्यूटेरोस्टोम में चेंज होना वो इकाइनोडर्म से शुरू हो जाता है. इसलिए इकाइनोडर्म जो होते हैं वो मोर क्लोजर होते हैं कॉर्डेट से, क्योंकि हम दोनों में कॉर्डेट्स में और इकाइनोडर्म्स में क्या सिमिलैरिटी है कि हम दोनों के पास ड्यूटेरोस्टोमिक डेवलपमेंट है बॉडी का. फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द फाइलम दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एनिमल हैविंग अ वाटर वास्कुलर सिस्टम इज, किसके पास, किस फाइलम के पास वाटर वास्कुलर सिस्टम है. तो ऑप्शन ए दिया हुआ है निडेरिया, ऑप्शन बी दिया हुआ है एनिलिडा, सी दिया हुआ है मोलस्का और डी दिया हुआ है इकाइनोडर्मेटा. तो इसका सही ऑप्शन होगा इकाइनोडर्मेटा. इकाइनोडर्मेट्स जो होते हैं जैसे कि स्टारफिश, अगर हम स्टारफिश की बात करें तो इनके आर्म्स में जो है वो रिंग पाए जाते हैं. एक सेंट्रल रिंग कैनाल होती है और उसके बाद जो है रेडियल कैनाल्स होते हैं और इन्हीं के थ्रू जो है वाटर का सर्कुलेशन उनकी पूरी बॉडी में इनर और आउटसाइड दोनों होता रहता है. ईच आर्म्स में इनके क्या है वाटर वास्कुलर सिस्टम जो है वो कंपोज्ड है. तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इकाइनोडर्मेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन है Which one of the following phyla have coenocytes? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है गेट एक्सेल 2020 में और इनके चार ऑप्शन दिए हैं टीनोफोरा, निमेटोडा, निडेरिया एंड पोरीफेरा. राइट ऑप्शन होगा पोरीफेरा. अगर हम पोरीफेरा की बात करें तो पोरीफेरा के जो स्पॉन्जेस हैं उनमें एक ऑस्कुलम होता है और क्या होता है ऑस्टिया होते हैं. ऑस्टिया जहां से पानी इन करता है, वाटर इन करता है, और ऑस्कुलम जिधर से वाटर आउट जाता है. इनके बीच में अगर आप देखें इन वॉल्स पे क्या होता है, इन वॉल्स पे सीलिया जैसा स्ट्रक्चर होता है जो वाटर करंट को मूवमेंट देता है, डायरेक्शन देता है. और ये सीलिया कहाँ होते हैं, ये सीलिया टाइप के स्ट्रक्चर जो है वो कॉलर सेल कॉलर बनाते हैं. कहाँ पे बनाते हैं, कोइनोसाइट्स पे. तो ये कोइनोसाइट्स जो है वो
पाए जाते हैं, स्पेशली पोरीफेरा में, स्पॉन्जेस में जो है ये पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेरेंटुलास एंड मस्कीटोज बोथ बिलोंग टू फाइलम आर्थ्रोपोडा। यस, दे बोथ बिलोंग टू आर्थ्रोपोडा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट नंबर ऑफ लेग्स देम इन रिस्पेक्टिवली। तो ये जो हमारे आर्थ्रोपोडा होते हैं उनमें ये आपको दो ऑप्शन दिए हैं, टेरेंटुलास और दूसरा दिया हुआ है मॉस्किटो। तो हमारे जो टेरेंटुलास हैं वो आते हैं आपके क्लास एरेक्निडा में, और जो मस्कीटो आते हैं वो आते हैं इंसेक्टा में। तो एरेक्निडा का जो अगर लेग्स की बात करें तो उनके पास 4 पेयर लेग्स होते हैं, यानी टोटल लेग्स कितने होंगे, 8। और इंसेक्ट जो होते हैं उनके पास टोटल लेग्स 6 होते हैं, मतलब कितने, 3 पेयर्स लेग्स जो हैं वो पाए जाते हैं इंसेक्टा में। तो इसलिए इनको हेक्सापोडा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेक्सापोडा बोलते हैं। तो 6 पेयर और यहाँ पे 3 पेयर और 4 पेयर। तो ये किस ऑप्शन में है, 8 एंड 6 है डी ऑप्शन में। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गेट एक्सेल 2020-21 का। इसमें पूछा गया इक्थियोफिश बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस। तो ये बिलोंग करता है आपका एम्फीबिया से, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज बुक लंग्स एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो बुक लंग्स जो होता है वो स्कॉर्पियंस में पाया जाता है, और स्कॉर्पियंस में ये इस तरह के कुछ वास्कुलर प्लेट्स बने होते हैं। ये वास्कुलर प्लेट जो हैं वो रिजेंबल करते हैं बुक के पन्ने से, जैसे ये पेज नंबर 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, तो ऐसे ही बुक के पन्नों से जो है रिजेंबल करते हैं स्ट्रक्चर में, इसलिए इनको बुक लंग्स का नाम दिया गया है। अगर आप देखोगे स्कॉर्पियन में तो ये है बुक लंग। तो बुक लंग जो है वो स्कॉर्पियन में पाया जाता है। तो इस तरह जो जितने क्वेश्चन अभी तक आए हुए थे, ये गेट एक्सेल 2023 में आया हुआ क्वेश्चन था। तो एनिमल डाइवर्सिटी सेक्शन में जितने क्वेश्चन आए थे जूलॉजी में, वो यहाँ पे इस वीडियो में कवर हो गया, ठीक है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। नॉलेज का दामन छूना हुआ आसान, फिर चाहे वो लेक्चरशिप या PhD का अरमान, हमारे पास से आपके हर एक मुश्किल का समाधान, हम पूरा करवाएंगे आपका हर वो अरमान। वेद में लेकर आया है डिटेल कोर्स फॉर CSIR 2024 एग्जामिनेशन। मिलेगा यहाँ आपको सब कुछ, न्यू पैटर्न के लेक्चर्स, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, PDF नोट्स और भी बहुत कुछ। वेदमी, क्योंकि हर सपना हमारा है अपना। एनरोल नाउ एंड विजिट वेदमी वेबसाइट एंड डाउनलोड द ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। यूज करिए कोड WED20 फॉर गेटिंग द 20% डिस्काउंट। WED, एजुकेटिंग WED, एजुकेटिंग इंडिया।